ग्वालियर के ऊर्जा मंत्री के पैर रखते ही अमृत योजना के तहत बन रही चैंबर की दीवार भरभरा कर गिर गई। मंत्री तोमर खुद गिरने से बच गए। घटिया निर्माण की पोल खुलते ही तोमर काफी नाराज हुए और अफसरों को कड़ी फटकार लगाते हुए तत्काल जांच के आदेश भी दे डाले। ग्वालियर में नगर निगम के घटिया निर्माण की पोल मंत्री की एक लात ने खोल दी। मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर के पैर मारते ही ईंट की दीवार से ईंटें गिरने लगी। घटिया निर्माण के कारण ईंट गिरने की वजह से तोमर खुद गिरने से बाल बाल बच गए। इस घटना के बाद शहर में अमृत योजना का काम कर रही कंपनी मैसर्स विष्णु प्रकाश पंकुलिया पर पहली बार बड़ी और कड़ी कार्रवाई हुई है। इस बार कंपनी पर कार्रवाई करने का मुख्य कारण प्रद्युम्न सिंह तोमर का अचानक दौरा रहा। तोमर ने शिंदे की छावनी से बहुड़ापुर तक बनाई जा रही सड़क का निरीक्षण किया और संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। सड़क निर्माण को लेकर तोमर ने कहा कि बरसात से पूर्व सड़कों को ठीक करने का कार्य तेजी के साथ किया जाए, सड़कों के कारण यातायात प्रभावित ना हो यह भी सुनिश्चित किया जाए। तोमर ने रविवार को जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और नगर निगम के अधिकारियों के साथ शहर का भ्रमण किया और शहर विकास के साथ साथ सुगम यातायात के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने मेंटल हॉस्पिटल तिराहा पर अमृत योजना के तहत बनाया जा रहा पानी के चैंबर को लेकर ठेकेदार पर नाराजगी व्यक्त की। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के पीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।